हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो लेक्चर्स। सो हियर टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक फ्रॉम द आईसीएसई बोर्ड स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 2.7 वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वी नो दैट वेलोसिटी, यस वेलोसिटी इज ऑलवेज ऑन y डायरेक्शन एंड टाइम इज ऑन द x एक्सिस। तो वेलोसिटी y एक्सिस पे हम लोग लिखने वाले हैं और टाइम ऑलवेज इन x एक्सिस। क्लियर? इस ग्राफ से हमें बेसिकली क्या जानकारियाँ मिलेगी? तो जानकारी में पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीलरेशन मिलेगा। अगर ग्राफ है उसमें से एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दूसरी चीज़ वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट आई एम ड्राइंग द ग्राफ एंड वी आर कलेक्टिंग द डेटा ड्यू टू दैट ग्राफ। तो पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ टाइम 1, 2, 3, 4, 5। यस, ओके। नाउ हियर 10, 20, 30, 40। ओके, इस टाइम को मैं थोड़ा बढ़ा दूँ, थोड़ा ग्राफ ज़्यादा लंबा होगा तो थोड़ी जानकारी हमें ज़्यादा मिल सके। ओके, अब ग्राफ में स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम ज़ीरो, ओके, टू सेकेंड से टूवर्ड्स 4 सेकेंड एंड ये हम लोग वापस आ गए 5th सेकेंड पे। ओके, एंड देन 5th सेकेंड से वापस से स्टार्ट करेंगे, देन यस 6 सेकेंड पे आ गए। ओके, फिर आगे जाके यहाँ पर ग्राफ थोड़ा लंबा करेंगे क्योंकि थोड़े डिस्टेंसेस नहीं आ रहे, 9, 10, 11, 12, 13 तक। ओके, 8 सेकेंड से फिर से 9 सेकेंड पे पहुँच गए। ओके, अब वापस से यहाँ से आगे बढ़ेंगे 10 सेकेंड तक, फिर 10 से यस 12 टू फिर वापस आ जाएंगे 13 पे। क्लियर? ओके, सो दिस इज़ अवर वेलोसिटी वर्सेस ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, सो इन दिस ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मुझे फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कि भाई टोटल डिस्टेंस क्या होगा। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस ग्राफ में जितने भी कंपोनेंट्स है, जितने भी एरिया कवर है वो फाइंड कर लो, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब कभी भी एरिया फाइंड करोगे देन यू गॉट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ, ए बी सी, दिस वन इज़ डी ई एफ जी एच आई। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रेपेजियम बना ओ ए बी सी। क्लियर? सो ट्रेपेजियम ओ ए बी सी एरिया, देन ट्रेपेजियम सी डी ई एफ एरिया। ओके, देन ट्रेपेजियम एफ जी एच आई एरिया। ओके, सो दिस आर द एरिया वो मैं फाइंड करना है। सो एरिया में, इस एरिया में हमें फाइंड कैसे करेंगे आगे? तो टू फाइंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला हम फाइंड करने वाले हैं, पहली ये लाइन प्लस दिस लेंथ। सो ये लेंथ कितनी है? 5 प्लस दिस लेंथ, सो इट विल 4 माइनस 2, इट इज़ 2 इनटू जो उसकी हाइट है वो, दैट इज़ 30। सो फर्स्ट ये बन गया। फिर सेकेंड ट्रेपेजियम में हम लोग लेंगे ये 9 माइनस 5, इट विल बी 4 प्लस दिस 8 माइनस 6, इट
विल बी 2 इनटू दिस हाइट. अब इस हाइट को अगर हम स्केल से जोड़ दें, सो दैट हाइट विल बी -10 -20 -30 एंड -40. ओके, एंड दिस विल बी -50. सो हियर आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 50. ओके, नाउ द थर्ड वन, थर्ड ट्रेपेजियम विल बी दिस 13 -9, इट विल बी 4. सो 4 प्लस 12 -10 2 इनटू, यस, दिस हाइट इज 30 अगेन. सो 30, सो यहाँ पर कनेक्ट कर दो 5 प्लस 2 7, 7 इंटू 30, 7 इंटू 30 210, यस, प्लस 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 5 300, यस, प्लस 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 30 180. ओके, क्लियर. सो लास्ट वन इज 0, 8 प्लस 1 9 एंड 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, सो 690 मीटर टोटल डिस्टेंस ऑफ आवर ऑब्जेक्ट. तो ये जो डेटा है वो वेलोसिटी ग्राफ से हम डिस्टेंस ज़रूर से फाइंड कर सकते हैं. क्लियर. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में सिंपल, जो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आया उसको हटा दो, बाकी सब वैसे का वैसा. क्लियर. तो ग्राफ में से नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को हटा दो, नेगेटिव जो पोर्शन है उसको हटा दो. सो आवर आंसर विल बी 210 -300 प्लस 180, सिंपल. क्लियर. सो यहाँ पर आंसर आएगा 390 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर ऑब्जेक्ट इज 390 मीटर. क्लियर. ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन. अभी इस ग्राफ में से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें, क्या करें जिससे एक्सेलरेशन मिल जाए. तो फ्रॉम दिस ग्राफ जितने भी लाइंस बनी है उसकी स्लोप फाइंड करनी है. क्लियर. तो एक्सेलरेशन के लिए सबकी स्लोप फाइंड कर दो, सबका एक्सेलरेशन कुछ अलग मिलेगा. सो फॉर एक्सेलरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ OA, स्टार्टिंग फ्रॉम स्लोप ऑफ OA. तो जो OA स्लोप है उसका जो ओरिजिन है वो पहले देख लेते हैं. OA स्लोप, क्लियर. तो स्लोप कैसे फाइंड होगा, पहले तो ये लाइन अपॉन ये, सो दिस इज 30 अपॉन दिस इज 230 अपॉन 215. सो दैट इज द एक्सेलरेशन फॉर पर्टिकुलर ओनली 2 सेकेंड. सो फॉर 2 सेकेंड आवर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज 15 मीटर सेकेंड टू इनवर्स. क्लियर. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू फाइंड स्लोप ऑफ, या स्लोप ऑफ, अब मैं फाइंड करूँगा ए बी. ए बी का स्लोप फाइंड करो. तो स्लोप ऑफ ए बी विल बी 0 बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन विच आर पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन इट विल बी 0. क्लियर. सो वो एक्सीलरेशन खत्म हो गया. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बी सी. सो स्लोप ऑफ बी सी, इट गिव्स द एक्सीलरेशन अबाउट ओनली 4 to 5 सेकेंड. क्लियर. सो स्लोप बी सी इज इक्वल टू, बी सी में फाइंड कर रहे हैं तो पहले तो ये ले लो, कितना है 30. ओके, 30 अपॉन टाइम. सो ये जो 30 है उसमें फाइनल तो 0 है, तो 0 माइनस 30 हुआ. सो आई हैव टू राइट हियर माइनस 30 अपॉन सेकेंड. सेकेंड में 5 माइनस 4 इट विल बी 1. सो आंसर इज माइनस 30 मीटर सेकेंड टू इनवर्स. तो बी सी पोर्शन में जो एक्सेलरेशन मिला दैट इज माइनस 30 मीटर सेकेंड टू इनवर्स. क्लियर. सिमिलरली मैं सी डी भी फाइंड कर सकता हूँ. एक्चुअल में बी टू डी एक पूरी लाइन है, सी डी भी ऐसे फाइंड कर दे दें. तो सी डी में, सी डी थोड़ा अलग से फाइंड करते हैं. सो सी डी स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू, ओके, नाउ फाइनल इज माइनस 50, इनिशियल इज 0. सो माइनस 50 माइनस 0 विल बी माइनस 50. एंड वॉट आर दिस सेकेंड्स, सेकेंड इज 6 माइनस 5 इट विल बी 1. सो सी डी पोर्शन का एक्सेलरेशन चेंज है एंड इट इज माइनस 50 मीटर सेकेंड टू इनवर्स. क्लियर. ओके, नाउ डी ई की बात करो. डी ई, डी ई अगेन हॉरिजॉन्टल, स्लोप ऑफ डी ई विल बी वॉट, 0. सो उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया.
Okay, now we are talking about slope of EF. So slope of EF, उसको पूरा फाइंड कर सकते हैं हम लोग अगर एक लाइन है, बट वी कैन सी दैट इट इज़ नॉट अ सिंगल लाइन, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है. सो EF को अलग रखें. सो स्लोप ऑफ EF इज इक्वल टू, यहाँ पर अगेन ये हम लोग लास्ट में ज़ीरो पे पहुँचे, ज़ीरो माइनस माइनस 50 बढ़े हैं हम लोग, तो ज़ीरो माइनस माइनस 50 इट विल बी अपॉन, यस टाइम टाइम इज 9 - 8, इट विल बी 1. सो आंसर इज माइनस माइनस प्लस 50 मीटर सेकेंड टू इनवर्स. क्लियर? ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एफ टू जी. सो स्लोप ऑफ एफ टू जी, ओके यहाँ पर लिखूंगा स्लोप एफ जी इज इक्वल टू, ओके नाउ दिस, तो हियर टू हियर दिस पोर्शन इज 30. सो 30 अपॉन 10 - 9 इट विल बी 1. सो 30 मीटर सेकेंड टू इनवर्स एफ जी मिल गया है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जी एच, हॉरिजॉन्टल लाइन है. सो स्लोप ऑफ जी एच इज इक्वल टू 0. क्लियर? ओके, नाउ एच आई, सो स्लोप ऑफ एच आई इज इक्वल टू, अब बात करेंगे ये हाइट की, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, लास्ट हाइट विल बी 0, 0 माइनस इनिशियल. सो 0 माइनस 30 इट विल बी माइनस 30 अपॉन 13 माइनस 12 इज 1 इज इक्वल टू माइनस 30 मीटर सेकेंड टू इनवर्स. सो आप लोग एक बार देख सकते हैं, सारे स्लोप्स हमने फाइंड किए, सारे जितने भी लाइंस थे उन सब के स्लोप, इट गिव्स अस एक्सेलरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स. क्लियर? ओके, सो दिस इज दी अवर फर्स्ट ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम. ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर दिस ग्राफ, हाउ कैन वी कंक्लूड दैट विच इंफॉर्मेशन गिव्स अस फ्रॉम दिस ग्राफ. तो पहले तो ये ग्राफ क्या बोलता है कि एरिया फाइंड करोगे तो डिस्टेंस मिलेगा, अगर नेगेटिव डिस्टेंस है उसमें से नेगेटिव डिस्टेंस कट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. इफ़ यू फाइंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इट गिव्स अस एक्सेलरेशन. अब दूसरी बात कि अगर जो हमारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस, जो वेलोसिटी विच इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन स्लोप विल बी 0, देन एक्सेलरेशन विल आल्सो बी 0. क्लियर? ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द सेकेंड ग्राफ. तो इस ग्राफ में अगर हमें वी कैन से दैट कि भाई चलो डिस्टेंस फाइंड करो, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे इसका पहले तो कुछ इस तरीके से थोड़ा प्रॉपर बनाना पड़ेगा ग्राफ, और इसमें से मुझे ये जो स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड करूँ. तो इफ़ आई पुट ए बी सी एंड डी, सो to find distance is equal to area of rectangle ABCO. Yeah, so area uska find karna hai. So this is 50, 50 is multiply with 4, simple area of square 50 into 4, that will be 200 meter. So pehle to hume mil gaya distance. Clear? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुए, वो यूनिफॉर्मली बढ़ा है. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन फाइंड करो ये वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ से. एक्सेलरेशन विल बी स्लोप ऑफ ओ बी. क्लियर? तो स्लोप फाइंड करो. ओके, स्लोप हाउ कैन वी फाइंड स्लोप, तो ये डिस्टेंस मतलब बी सी अपॉन दिस डिस्टेंस सी ओ, बी सी अपॉन सी ओ फाइंड करना है. तो बी सी मतलब के 50 एंड सी ओ मतलब 4 - 0 विल बी 4. सो 50 बाई 4,
फोर वन ज़ा फोर, वन ज़ीरो फोर टू ज़ा अप्रोक्सीमेटली 12.5 आएगा अप्रोक्सी. सो एक्सेलरेशन विल बी दिस अमाउंट. क्लियर? तो सिंपल ये जो है ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है. सो इट गिव्स अस एक्सेलरेशन फॉर्मूला एंड आई कैन राइट दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल में देर इज नो चेंज, देर इज़ नो चेंज ऑफ एक्सेलरेशन. मतलब कि जो वेलोसिटी है वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सेम चेंज हो रहा है. अगर वो एक सेकेंड में 10 मीटर सेकेंड यूनिवर्स बढ़ा तो दूसरे सेकेंड में दूसरा 10 मीटर सेकेंड यूनिवर्स बढ़ेगा. थर्ड पोर्शन में थर्ड 10 मीटर सेकेंड यूनिवर्स विल बी इंक्रीजिंग. क्लियर? सो दैट्स द डिपेंडेंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्लियर? ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू थर्ड ग्राफ एंड दैट इज़ दी. ओके, नाउ द थर्ड ग्राफ इज अवर इज फ्रॉम वेलोसिटी वर्सेस टी अगेन एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम सम इनिशियल वेलोसिटीज एंड दिस वेलोसिटीज लेट अस से 20 मीटर सेकेंड इनवर्स 20 देन 30 40 50 60. क्लियर? ओके, नाउ दिस वाज 2 4 6 8 10. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टाइम. ओके, नाउ हियर वी हैव सम इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर सेकेंड. मतलब कि पहले से ही हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में था और उसमें वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो एक ट्राइंगल बनाओ, उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो. ठीक है, तो ट्राइंगल बन गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी सी. इफ आई वांट टू पॉइंट देम आउट ए बी सी, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ओके, फॉर दिस एरिया आई हैव टू अप्लाई ट्राइंगल फॉर्मूला 1/2 अपॉन into yes this one is 60. So 60 minus 20 will be 40 into this base 10 minus 0, it will be 10. So here 20 into 10 200. So distance covered by this object from particular this time zero time, it will be 200 meter. Okay, similar acceleration. We know that to find acceleration, find the slope. So slope of क्या? Slope of CA. तो slope of CA is equal to पहले तो ये distance. What is this distance? We know that 60 minus 20 40 upon this distance. So this distance is 10 minus 0. It will be 10. So here 4 meter second to inverse. मतलब कि similar ये भी uniform acceleration का example है, but this motion is start from some initial velocity. Clear? So that is the one example. Okay, now we are moving on to third graph, which is like this, moving downward direction. This is again VT graph. Here it is 10 20 30 40 and 50. Okay, now this is 1 2 3 4 5 6. Okay, so in this graph to find distance, again we have to find that area, but I am not finding here distance. If I have to find distance, then what I have to do, that distance is equal to again area of this triangle. तो उसका एक triangle बना दो, triangle ऐसा बन जाएगा. तो A B and C. Okay, so triangle area of ABC. So 1/2 into base. What is base? 5 minus 1, 4. And what is height? 50 minus 10. It will be 40. 2 2s are cancelled. 40 into 2, 80. So distance cover in this particular example is 80 meter. Okay, now
we are talking about acceleration. So acceleration, that I have to find slope of AC. So slope of AC is equal to, first of all, this distance. Now for this distance, our final product is here. This is our final velocity. So final velocity minus initial velocity upon final time. What is our final time? This is our final time. This is initial time. So 5 minus 1. Clear? So 10 minus 50 minus 40 upon 5 minus 4 is 4. So answer will be minus 10 meter second to inverse. So here we get acceleration negative value. Acceleration negative value, that means our object is now decelerating, मतलब कि उसको ब्रेक लगाई जा रही है, ऑब्जेक्ट को रोका जा रहा है. तो ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज decelerating, then it is called retardation. So this is called retardation. Clear? So this is retardation. Simple example. Okay, now we are moving on to again the fifth graph. So in this fifth graph, we are talking about first here, this is O, this is 10, 20, 30, 40. Okay, similarly, negative scale, minus 10, minus 20, minus 30, minus 40. Okay, yes, 2, 4, 6, 8, and 10. ओके नाउ यहाँ पर पहले तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी बढ़ गई 4 सेकंड तक, फिर अचानक से उसकी वेलोसिटी तुरंत ही ज़ीरो हो गई एंड देन इट विल मूव टू हियर. अब ये जो पूरा मैंने ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पे, ये पर्टिकुलर कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट का ग्राफ है? So this type of graph is for if we free fall a ball. क्योंकि ball अगर हम लोग नीचे फेंकेंगे, ये velocity versus t graph में, तो ball अगर नीचे फेंकेंगे तो velocity उसकी बढ़ेगी, फिर जब वो ज़मीन से टकराएगा फिर तुरंत ये जो motion है it is downward motion. क्योंकि वो नीचे आ रहा है तो velocity बढ़ रही है, फिर वो जैसे ही ज़मीन पे टकराया उसकी तुरंत जो मोशन है वो अपवर्ड हो जाएगी, तो तुरंत डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. सो अपवर्ड मोशन, दैट्स वाई हियर नाउ इट्स मोशन स्टार्टिंग एंड उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और फिर ज़ीरो हो गई. तो ज़ीरो हो गई मतलब वापस वो ऊपर आ गया, मैक्सिमम हाइट पे आ गया. क्लियर? सो दिस इज़ दी एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल of a ball which is after collision moving upward. Yes, upward direction में वो after collision जाएगा. Clear? अब इसके लिए अगर मैं distance find करने जाऊँ, total distance, तो total distance, तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी सी सबका पहले तो नाम रख दो. ओके, टोटल डिस्टेंस में पहले ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल, दैट मींस दी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए, इसका नाम दे देते डी, ओ ए डी. क्लियर? प्लस अगेन डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करो, तो टोटल एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी. ओके, नाउ फर्स्ट एरिया ऑफ ओ ए डी, सो हाफ इंटू 4 माइनस 0, 4 इंटू 40, सो 2 टू 4. ओके, प्लस अगेन हियर 1 बाई 2 इंटू 8 माइनस 4 विल बी 4 एंड 40, 2 टू 2, सो 40 इंटू 2 80, 80 प्लस 80 160. सो आंसर, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 160 मीटर. So that is the total distance. But if I am talking about displacement, अगर displacement की बात होगी तो जो भी positive है ना उसके साथ negative कर दो, क्योंकि displacement is also depend on signs.
सो पॉजिटिव में 80 मीटर था, नेगेटिव में 80 मीटर है, सो 80 माइनस 80 इट विल बी ज़ीरो। सो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं है, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट इज देयर। नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन, सो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ OA। तो स्लोप ऑफ OA इट मीन्स दैट दिस मीन्स 40 माइनस 0 अपॉन दिस 4, सो 40 अपॉन 4 इट विल बी 10 मीटर सेकेंड टू इनवर्स, क्लियर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्लोप, सो उसका भी एक्सेलरेशन है, तो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू, अब इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मतलब फाइनल हमारा क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो माइनस माइनस 40 अपॉन 8 माइनस 4, तो प्लस 40 अपॉन 4 इट विल बी, आंसर इज 10 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। तो दोनों में अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड मोशन है फिर भी, बट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट्स वाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एंड यहाँ पर अपवर्ड मोशन है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बट इन नेगेटिव मैनर, दैट्स वाई हियर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो डायरेक्शन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन वेदर द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लियर। सो दैट इज द अनदर ग्राफ। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ग्राफ। So next graph is like this one, is V versus T. So here this will be 10, 20, 30, 40. And here 1, 2, 3, 4, 5. So our graph is like this. Here as time increasing, but velocity is not changing. So here it is uniform acceleration. Sorry, here not uniform acceleration, acceleration will be zero, but we can call it as uniform velocity. Why uniform velocity? Because velocity is constant here. Velocity is totally constant because as time increasing, velocity doesn't change. So we can say that our object is uniformly moving without changing in its velocity, it is moving further and further, clear. So that is the our sixth graph, clear. Now we can conclude some points by these graphs. So in this conclusion, so first conclusion from this graph is in velocity versus time graph, if we find slope, then we get acceleration, and if we find area, we get distance or displacement, clear. Okay, now we are moving on to second conclusion. In the second conclusion, we know that if velocity time graph gives straight line and velocity continuously increasing, then it is said to be uniform acceleration, clear. तो वो हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू थर्ड कंक्लूजन. थर्ड कंक्लूजन इज इफ VT ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड इट इज called uniform velocity, clear. So that is the third conclusion. Now we are moving on to fourth conclusion, and that conclusion is
if we get slope as negative in VT graph, then it is retardation of the object, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे जाके रुकने वाला है, क्लियर? सो वो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको रोकेगा, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू फिफ्थ कंक्लूजन एंड दैट इज द इन फ्री फॉलिंग इन डाउनवर्ड मोशन and upward motion we get positive acceleration in both motion. तो downward motion में क्यों positive acceleration मिला? Because in that motion acceleration velocity is continuously increasing, that's why we get positive acceleration. और upward motion में क्यों हुआ? तो upward motion में continuous velocity decrease हो रही है but in opposite direction, तो इसीलिए upward motion में भी positive acceleration मिला है. Clear? So that's the conclusion from the velocity time graph. Thank you so much guys to listening my video till the end. Thank you so much, that means a lot to me. Thank you.